मनोज जी पालीवाल शायद अवेलेबल नहीं है आज। मनोज जी पालीवाल जो है मेरे मामा है, उन्होंने मुझे इसके बिजनेस के बारे में बताया था, पूरा डिटेल्ड दिया था। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में पूरा समझाया कि कैसे बिजनेस वर्क करता है, क्या होता है इस बिजनेस में। तो उन्होंने मुझे इस परिवार से जोड़ा था। तो उसके बाद में मुझे उन्होंने दिनेश कुशवाहा सर का किसे इंट्रोड्यूस करवाया, उनके उनसे मेरा परिचय करवाया और उनसे मेरी लगातार बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस किया कि कैसे मुझे टीम को लीड करना है, कैसे मुझे इस बिजनेस के बारे में बताना है लोगों को, कैसे इनवाइट करना है। तो ये सब मुझे कुशवाहा सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। और साथ ही साथ उसके बाद में जो मेरी सीनियर मैम है सुनीता सोनी मैम, उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया और सबसे ज्यादा गाइडेंस मुझे किसने दिया है तो वो मैम है। मैम का मुझे मतलब हर रोज फोन आता है और मैम सभी को लगभग लगभग कॉल करती है और सभी को मोटिवेट करती है, सभी को प्लान पूरा बताती है, गाइडेंस करती है और कैसे वर्क करना चाहिए ये मैम बहुत अच्छे तरीके से बताती है। तो मैम का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए। और मैम बहुत अच्छा गाइडेंस देती है, मैम बताती भी है कि आप कैसे किसी को इनवाइट करें, कैसे आप किसी को ज्वाइन करवाएं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझसे बात करवाइए। मैम का बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मतलब कहीं ना कहीं मिलता है। और उसके बाद में जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया तो फिर मुझे और काम करने की उमंग इच्छा हुई कि मुझे और काम अपनी टीम के लिए करना चाहिए। मतलब मुझे टीम के लिए तो ठीक है और मुझे खुद के लिए भी अपना 100% देना है और काम करना है। फिर मैंने उसी के साथ साथ फर्स्ट बीएम बना, मैंने कई घरों को सुरक्षित भी किया उसी के साथ साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक फैमिली है, इसमें जब तक अपन काम करते रहेंगे और अपन नहीं भी करेंगे काम, अपनी टीम इतनी डेवलप हो जाएगी कि हम जब जब, जब जितना काम करते रहेंगे तो हमें उसका एक फल, जो एक हम पेड़ लगाते हैं तो हमें जो फल मिलता है बाद में, तो हमें उस वो फल मिलता ही रहेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बारे में। फिर मैं बीएम बना, मैंने कई घरों को सुरक्षित किया। उसी के साथ साथ जो मेरी टीम डेवलप हुई और जो मेरी टीम है, गीता मैम है, गीता शर्मा मैम और मुकेश जी पालीवाल, उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला कि मैं इस लेवल तक पहुंच पाया। आज मैंने स्टार लेवल प्राप्त किया है तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। और साथ ही साथ मुझे एक चीज की भी खुशी है कि मैं इतनी बड़े बिजनेस का हिस्सा भी बना और आज मेरा इतना बड़ा परिवार हुआ। तो ये चीज की मुझे बहुत खुशी मिली। जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मुझे लगा था कि मैं शायद ही कुछ कर पाऊंगा या अब इतना आगे कुछ जा पाऊंगा, पर मैंने एक लक्ष्य रखा और आज मैं स्टार लेवल तक पहुंचा, जिसकी मुझे मुझे लगा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। और इतने कम समय में मैं स्टार लेवल को मैंने प्राप्त किया। और आज मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं और भी आगे तक जाऊं, मैम की तरह अपने जो प्लान है उसको डुप्लीकेशन करूं और मतलब जो भी मेरे सीनियर्स हैं उनकी तरह मैं ऐसा करते रहूं और बड़े से बड़े लेवल्स को हासिल करने का मैं लक्ष्य रखता हूँ आज। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस टीम के बारे में कि कैसे सपोर्ट मिलता है, कैसे आप किसी को भी, यहाँ से बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप होती है आपके अंदर कि आप चीजों को समझें और अपने अपने काम में आप मन लगाकर काम करते रहें। यहाँ पे जो रिवॉर्ड मिलता है वो रिवॉर्ड आपको ऐसा मिलता है कि आप छोटा सा भी काम करते हैं तो आपको खुशी मिलती है कि नहीं मैंने आज थोड़ा छोटा सा भी काम करा, भले वो 100 रुपए का या 200 या 500 का रिवॉर्ड हो, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ मैटर ये करता है कि आपको काम करने की इच्छा जगती है कि आज आपने रिवॉर्ड मिला, आज आपको काम करना चाहिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहा और मैं काम को करते गया और काम होते रहा और आज मैंने स्टार लेवल को प्राप्त किया यहाँ से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ मैं ये भी लक्ष्य रखता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं डबल से बीएम बनूं और कई घर परिवार को सुरक्षित करूंगा, जो कि एक बहुत अच्छा काम है। तो घर परिवार को सुरक्षित करूंगा और साथ ही साथ मेरा ये भी लक्ष्य है कि जल्द से जल्द मैं अपने टीम से, जो मैम है और जो सारे मुकेश जी, उनका उनका भी स्टार लेवल होने वाला है, तो उनको भी मैं मेरी टीम से जैसे कि स्टार वो निकले और साथ ही साथ मैं अपने लक्ष्य को हासिल करता रहूं। तो मुझे यहाँ से टीम से सपोर्ट बहुत मिलता है हर चीज का, चाहे वो कुशवा सर है, चाहे मेरे मामा है या मैम है या मेरी टीम है। तो देखिए जब तक आप काम करेंगे तो आप
आपको काम में कहीं ना कहीं तकलीफ तो आएगी, मुसीबतें तो आएगी, लेकिन जो टीम होती है यहाँ केयर इंडिया का मतलब ही है कि टीम, एक फैमिली, उसमें आप अगर टीम में ढल गए और आपने वर्क किया तो आप यहाँ पे क्राउन डायमंड और बड़े से बड़े लेवल तक आप पहुंच सकते हैं और आप अच्छी से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और आपके जो सपने हैं, हर इंसान के सपने होते हैं, वो आप पूरा कर सकते हैं। तो आज मैं स्टार लेवल पहुंचा, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने और आगे लक्ष्य जो सिल्वर है, डायमंड, गोल्ड, मैं मतलब सारे लक्ष्य को मैं प्राप्त करूं और आगे जो भी सफलता की सीढ़ी है मैं चढ़ते रहूं। तो इतना ही कहूंगा मैं आज की, बस आप निरंतर काम करते रहिए, मैं भी निरंतर काम करते रहता हूं और मुझे उसका फल मिला आज कहीं ना कहीं। आज मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, मुझे बोलने का मौका मिला और मैंने बताया कि अपनी जर्नी कैसे क्या थी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच आपको मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।